इस काबिल तरीन स्टेज पर एक बार इन काबिल तरीन लोगों के सामने इस नाकाबिल जुबान से कुछ काबिल तरीन अल्फाज पेश करने से पहले उस जात परवरदिगार का नाम लूंगा जो बड़ा ही निहायत और रहम वाला है। बिस्मिल्लाह Respected chief guest, seniors, respected advisor, and my dear brother and sister, good afternoon. सबसे पहले मैं आप लोगों को किस तरह शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि पिछले साल जो आप लोगों का मेहनत, जो आप लोगों का लगन, जो आप लोगों का जोश, आप लोगों की वजह से मुझे एक यूनियन में एज एग्जीक्यूटिव मेंबर सिलेक्ट किया। मैं ये नहीं कहता हूं जिस वक्त उस वक्त आप लोगों ने जो सिलेक्शन किया है उसका जो क्रेडिट मैं खुद को ले रहा हूं, मैं हरगिज नहीं लूंगा, क्योंकि उस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए जिसने मुझे सिलेक्ट किया वो क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूं, वो क्रेडिट आप लोग है। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे ऐसे यूनियन में काम करने के लिए काम नहीं होता। मैं इस चीज के लिए आप लोगों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप लोगों की वजह से मैंने जो सीखा है, मैंने जो यूनियन में बैठकर सीखा है किस तरह लोगों के सामने पेश करना है, किस तरह लोगों के सामने पेश आना है, वो आप लोगों की वजह से सीखा है, ना कि मैं खुद की वजह से। क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे उस दिन सिलेक्शन नहीं किया होता तो मैं ये कभी नहीं सीखता कि किस तरह बड़ों से बात करना होता है, किस तरह यूनियन में मुझे जब यूनियन में जो है लोगों का मदद करना, सेवा करना, उसमें जो मजा आया वो मजा जो है आप लोगों से लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी नहीं, वो कहते हैं ना, वो कोई कहते हैं ना, गिरते हैं शेख सवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अभी भी मैं इस यूनियन को अलविदा करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन 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 हमारे बैलास की वजह से हमें अलविदा करना पड़ रहा है। क्यों करने का मन नहीं कर रहा है मैं इसका वजह भी आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि इस यूनियन के अंदर रात के 2 या 3 बजे भी हम उठकर लोगों के सेवा में जुटे थे, उस सेवा की वजह से मैं नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे यहाँ पर खरीदने के लिए मैं ही कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों की सेवा के लिए भी जो उतरा रात के 2 बजे उस चीज से मैं अलविदा नहीं कर रहा। करगिल में जब बाहर आए तो हमें भी याद करना,